न्यूज़ ब्रदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में जब कॉन्ट्रैक्ट काफी सारे लोगों का जब साइन हो रहा था बिग बॉस के अंदर आने के, तो उसमें विक्की जैन ने कुछ और ही साइन किया था, बाकी लोगों ने कुछ और ही साइन किया था। विक्की जैन के साथ ऐसा क्या होता है जो बाद में काफी सारे लोगों को हर्ट कर देता है? बिग बॉस में जब विक्की जैन एंट्री होते हैं, उनकी एंट्री बहुत ही अच्छी लेवल की होती है और बिग बॉस में अच्छे खासे चलते रहते हैं, लेकिन बाद में तहलका नोटिस करता है उनके सर के बालों को लेकर और ये देखते हैं कि उनके मतलब बाल दाढ़ी वगैरह बने हुए होते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर ऐसे कैसे बनवाए। तो उन्होंने बोलते हैं विक्की जैन ने कि ऐसा हमने कुछ नहीं कराया, लेकिन वो काफी सारे लोग को जब बोलते हैं कि उन्होंने दाढ़ी वगैरह बनाए हैं, बियर्ड वगैरह बनाए हैं, हेयर स्टाइल बदलने की कोशिश की है, तो काफी सारे लोग को यह बात पता चलती है। तो मनारा चोपड़ा बोलती है कि मुझे भी हेयर कलर करने के लिए काफी सामान वगैरह की जरूरत चाहिए। तो यानी कि बिग बॉस से काफी सारे लोग मतलब यह बोलने लगते हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, तो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। जब बिग बॉस बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि आप लोग डिस्कस कर लो कि आखिर मसला क्या है। जब मसला जब बात करते हैं विक्की जैन के बारे में, तो विक्की जैन बिल्कुल भी पैच पहनते हैं, तो ये बात काफी सारे लोगों को नहीं पता थी और काफी सारे लोग मतलब हर्ट हो गए थे कि वो कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं बिग बॉस में आने बाद और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले बात ये कि विक्की जैन बिल्कुल भी पैच पहनते हैं। तो यार बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड के बारे में। ट्रेविस हेड बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे और जो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ साथ भारत से जीत हासिल कर ली, जो कि अच्छे खासे ओवर के साथ, अच्छे खासे रन के साथ। लेकिन उनकी जीत लगता है नहीं है कि काफी सारे लोग को पसंद आता है। उनके इंस्टाग्राम पे, यानी कह सकते हैं उनकी वाइफ के इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोग मतलब भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं कि आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे कर रहे थे, धमकियां दे रहे हैं जो कि इंडियन फैंस हैं, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि उनके खुद के इंस्टाग्राम पे जाने के बाद उनको गालियां दे रहे हैं। तो कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो कुछ इसमें से कमेंट है जो आपको काफी सारे मतलब ऐसे ऐसे लोग मतलब गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। भले वो ट्रॉफी जीत के गए, चाहे जैसे भी जीत के गए, आखिर उन्होंने जीता है तो हमारा ये हक बनता है कि हम उन्हें गाली ना दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में 19 तारीख के दिन जिस दिन मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उस दिन बिल्कुल भी मणिपुर के एयरपोर्ट पे यूएफओ देखने को मिला था, जिसके कारण से दो फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन उस दिन कुछ एक्शन नहीं लिया गया था, कुछ चीजें एक्शन में आई हुई थी। काफी सारे लोग डर गए थे कि मतलब इधर कुछ ऐसा कुछ हादसा ना हो जाए, जिसकी वजह से वहां पे से बिल्कुल भी दो एरोप्लेन को बिल्कुल भी कैंसिल कर दिया गया था और वो बिल्कुल भी वेस्ट बंगाल की ओर भेज दिया गया था। लेकिन होता क्या है कि उस समय कुछ रिसर्च नहीं की जाती है, उस समय थोड़ा सा मैच के दौरान काफी सारे लोग व्यस्त थे, तो उसके दूसरे दिन बिल्कुल भी दो राफेल को मतलब वायुसेना ने बिल्कुल भी उड़ाया और खुद जाकर उस पर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं, जिसकी वजह से उस चीज को कैंसिल कर दिया गया है। हो सकता है आगे चल कर देखने को मिल सकता है, तो उस पर बिल्कुल भी रिसर्च कर सकते हैं। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एक सिंगर के बारे में, जो कि पॉप स्टार है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा सिंगिंग करती है, लेकिन उनके साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो जाता है और वो हो सकता है उनको बिल्कुल भी जेल जाना पड़ सकता है। उनका नाम बिल्कुल भी शकीरा है और वो काफी समय से उन्होंने टैक्स भरी नहीं है, जो कि टैक्स के कारण उनको हो सकता है कि 2 साल तक मतलब जेल हो सकता है। होता है क्या है, साल 2012 से लेकर 2014 तक वो बिल्कुल भी स्पेनिश निवासी बनकर रह रही थी और वहां पे उन्होंने बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरा था, जिसके कारण से हो सकता है अगर उन्हें जेल होती है तो हो सकता है उनको बिल्कुल भी 24 मिलियन यूरो भरना पड़ सकता है जुर्माने के तौर पर, हो सकता है इनके जेल भी हो सकती है। तो यार इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद इतना कुछ नहीं कर सकते, तो हो सकता है इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो यार इस बारे में आपको क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं गोविंदा के बारे में। गोविंदा बिल्कुल भी डेविड धवन से मिलते हैं, जो कि 16 साल बाद होता है। कुछ यूं है कि जो कि 90 के दशक में कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना कुछ इस तरीके की फिल्म में गोविंदा काम किए रहते हैं, जो कि डेविड धवन भी उस समय काम किए होते हैं, जो कि 90 का दशक था, 80 का दशक था। उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन डेविड धवन बिल्कुल भी अभी हाल ही में मिलते हैं गोविंदा से और गोविंदा बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं इस बात को लेकर कि काश वो मेरे से मिलने भी तो आए। लेकिन होता कुछ यू है कि लेकिन इतने समय के बाद जब गोविंदा से मिलने आते हैं, तो गोविंदा बिल्कुल भी उनकी बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे हमारे यार दोस्त जो चले जाते हैं हमें छोड़कर, और हो सकता है कभी फिल्म में काम करने ना आए हमारे साथ, तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो जब वो मिलते हैं
तो ये सारी बातें करते तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते। तो यार इस बारे में आपको क्या कहना है, फिल्म इंडस्ट्री एक दूसरे को मिलाकर ही चलती है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, आप सभी को हमारे चैनल इस वक्त नया है और मुझे इस वक्त सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लाइक एक जरूरी है करना। अगर वो लाइक कर देते हो तो हमें एक सपोर्ट मिल जाती है, और सब्सक्राइब कर लेते तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है, हमें सपोर्ट मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।